बाड़मेर जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले की ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय अवतार सिंह पुत्र नकद सिंह निवासी बाड़मेर मगरा एक निजी कंपनी में कार्यरत था। बुधवार रात्रि को कंपनी में कार्य करने के बाद वह बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। इसी दरमियान माया नाड़ी के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने पुलिस को सूचना देकर घायल को आनंद फानंद में बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में समाज के लोग मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए। हमारे परिवार का एक बंधु TCI L&T कंपनी में लगा हुआ था, कार्यरत था पिछले 4 वर्षों से। कल रात की घटना है कि कंपनी से वापस वहाँ से आते हुए एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो जाती है। अब ये मामला है कि कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो भी कर्मचारी है उनको परिवहन की जो उनकी पॉलिसीज होती है उसमें ये होता है कि वो उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुँचवाएँ। उस दौरान कहीं ना कहीं कंपनियों में चूक हो रही है। इस कारण से सेफ्टी की कमी के कारण हमने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया है। अब कंपनी से बात हो रही है, वो उनके अपने अधिकारी भेज रहे हैं। स्थिति ये है कि कंपनियों को हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्र पर हमारी ज़मीनों पर अपना जो कामकाज कर रही है, यहाँ से जो भी अपना फ़ायदा लेके जा रही है, ज़मीनें हमारी, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग इसमें जुड़े, हमारे लोग इसमें धीरे धीरे लग भी रहे हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी की भी तो जिम्मेदारी इन कंपनियों की ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि कंपनियाँ इन सेफ्टी के जो रूल एंड रेगुलेशन है इनका कोई ख्याल नहीं रख पा रही है। हम ये कह रहे हैं कि कंपनी अपनी मानवीयता को दिखाए। हमारे परिवार का सदस्य गया है, उसी प्रकार से कंपनी का भी अपना एक आदमी उन्होंने खोया है, उसके प्रति कंपनी की मानवीयता क्या है, नैतिकता क्या है, वो अपने आदमियों का किस प्रकार जवाबदारी लेती है, वो क्या ध्यान रखती है, इस बारे में कंपनी आके हमसे बात करे, अपने अधिकारियों को भेजे, उनसे यदि हमारी वार्ता सफल हो जाती है, लगे कि वास्तविकता में नैतिकता के नाते वो अपना कंपनी भी अपना धर्म निभा रही है तो ठीक है। अगर नहीं निभा रही है कंपनी अपना धर्म, अपने आदमियों का भी ध्यान नहीं रख रही है, तो फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखेंगे। बुधवार देर रात को सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय युवक अवतार सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजनों ने निजी कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के नियमों के अनुसार कार्मिक को घर तक छोड़ने की व्यवस्था नहीं की। साथ ही परिजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में धरने पर बैठ गए।